अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? हाँ, उम्मीद करते हो सब खैर खरीत से होंगे। काफ़ी टाइम हो गया है मैं कोई रेसिपी नहीं डाली था, सोचा मैं बनाने लगी हूँ आलू की टिक्कियाँ। तो क्यों ना मैं आप बहन भाइयों से शेयर कर लूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो चलें आप मेरे साथ आएँ किचन में, मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। जी, मैं किचन में आ गई हूँ। अभी ये जो आलू बॉईल किए हुए हैं, ये पहले ही मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए थे। अभी इनको ठंडे पानी से धोकर ये मैंने रखे हैं। अब इनका मैं छिलका उतारूंगी। ये देखिए, मैंने छिलका उतार के रख लिया है और इसी तरह और भी आलुओं के छिलके उतारने हैं। आलुओं के छिलके उतार के मैंने सबको रख लिया है। अब ये बाउल लिया है। अब बाउल को मैंने हाथ से इनका मैश करना है, क्योंकि हाथ से काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाज़ हमारी बहनें होती हैं या भाई होते हैं जो ग्लव्स यूज़ करते हैं, पर मैं ग्लव्स यूज़ नहीं करती। जो अपने हाथ की चीज़ होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो हमारी सुन्नत भी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि खाने के बाद अपनी उंगलियों को चाटा करें, क्योंकि उंगलियों के दरमियान ऐसे विटामिन डी खारिज होते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं। तो फिर हम लोग ग्लव्स क्यों पहने? मुझे ग्लव्स पहनकर काम भी नहीं होता। और मैं कोशिश करती हूँ अपने हाथों को अच्छी तरीके से धो लें, नाखून बड़े बड़े नहीं रखें, तो आप के हाथ गंदे कभी भी नहीं होंगे, कभी कोई मैल कुचैल उसके अंदर नहीं जाएगी। हाथ को अच्छी तरीके से धो लें। तो इसी तरह मैं सारे ये आलू मैश कर लूँगी, फिर इसको और ज़्यादा मैश करूँगी। अभी तो थोड़े थोड़े कर रही हूँ, क्योंकि थोड़े ठंडे ज़्यादा हो गए हैं तो ये मैश होने में मुश्किल हो रही है। और इसी तरीके से सारे करूँगी, क्योंकि जितने हाथ से मैश करेंगे अच्छे तरीके से बनाएंगे, इतना ही अच्छे आपके जो आलू की टिक्कियाँ होंगी वो अच्छी बनेंगी। अभी मैं दिखाती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या शामिल करना है। ये देखें, साइड पर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये देखें, मैंने आलू मैश करके अच्छी तरीके से रख लिया है। तो अब जो चीज़ें डाली हैं वो हैं टमाटर, एक कटोरी मैंने डाले हैं। ये है हरा प्याज, और ये मिर्च जो है मैंने इसको थोड़ा सा कूट लिया है, हरी मिर्च को। और एक अदद प्याज मैंने इसको चॉप कर लिया है, और इसको अच्छी तरीके से चॉप किया है ताकि इसका पानी निकाल दिया है। और ये हरा धनिया है, इधर अनारदाना है। अनारदाना भी मैं अक्सर घर में सर्दियों में बना के रख लेती हूँ, जो बहुत साफ़ सुथरा होता है, बाहर से मैं यूज़ नहीं करती, उसमें मिट्टी और काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो अभी इसमें ये सारी चीज़ें मैं डालती हूँ, थोड़ी थोड़ी करके डालूँगी और फिर इनको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। एक और मैं बात आपको बताऊं कि इसमें बेसन भी डाल सकते हैं, अपनी चॉइस पर है, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो मैं इसमें बेसन भी ज़रूर ऐड करती होती हूँ, बाज़ दफ़ा नहीं भी करती, क्योंकि अनारदाना डालने से ये होता है कि टिक्कियाँ सही बनती नहीं है। तो बेसन डालेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से बन जाती हैं, वो टूटती नहीं है। ये देखिए, मैंने एक टेबलस्पून खुश्क धनिया लिया है, और एक टेबलस्पून गरम मसाला लिया है, और एक टेबलस्पून सूख मिर्च, और दो टेबलस्पून मैंने तिक्का मसाला लिया है, और हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ी कम मैंने हल्दी ली है, और एक टेबलस्पून नमक लिया है। नमक आपको नज़र नहीं आएगा, वाइट ये भी है। और अब मैं सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो अब अनारदाना ऐड कर देती हूँ। अब ये हरी मिर्च जो थोड़ी थोड़ी मैं दलहन की हुई थी, अब ये प्याज और हरा प्याज, ये मैं धो के पहले खुश कर लिया था। और टमाटर, एक टमाटर में लिया है और छोटा टमाटर लिया है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लिया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी हरा धनिया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको हाथ की मदद से ऐसे ऐसे करके मिक्स करूँगी। जी बेटा, अब मेरा बेटा आ गया है ये देखने के लिए मामा क्या कर रही है। शेमिया दे दो। अच्छा बेटा, बना दूँगी।
नहीं कर भैया। अब अजान भी होना शुरू हो गई है, तो अजान हो जाए फिर और शुरू करते हैं। ये देखें इसकी लुक कितनी प्यारी लग रही है। ये देखें मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं, अभी यही बनाने के लिए मैंने किया है, और सारी मैंने फ्रिज में रख दी हैं। ये तली हैं इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ब्रेड क्रम्ब है जो मैं घर में बनाया हुआ है, और ये मैंने दो अंडे फेंक लिए हैं, ठीक है, क्योंकि देसी मुर्गियों के अंडे छोटे होते हैं, दूसरा एक अंडा ही काफ़ी होता है। तो यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया तवे पे, तवे पर बहुत अच्छे बनते हैं, फ्राई पैन की नस्बत तवे पे बहुत अच्छे बनते हैं। तो अब मैं इनको तलने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें इस तरह। अभी जो मैं तलूंगी ये विदाउट ब्रेड क्रम्ब तलूंगी। जी हमारी तैयार हो चुके हैं। आपको पता है मैं दो तीन जो ब्रेड क्रम्ब वाले बनाए और दो जो बिल्कुल सादे बनाए अंडे वाले। हाँ सब बहन भाई मुझे बताइएगा कि मैंने आज की रेसिपी कैसी बनाई, और जो मेरे लिए न्यू हैं तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन करें, और जो मेरे ओल्ड गोल्ड हैं मेरी वीडियो पर आते हैं उन सब बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, मुझे लाइक देते हैं, सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी व्लॉग और किसी रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।